नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। चलिए बात करते हैं आरा लोकसभा चुनाव से जिस तरीके से लड़ रहे हैं कैंडिडेट, इनको सभी लोग यहां पे कहते हैं कि यहां के कैंडिडेट हैं। जब इनके लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, तो लोग कहते हैं कि ये घर के बेटा है और ये किसानों की बात करते हैं, ये युवा बेरोजगारों की बात करते हैं, ये यहाँ की जनता की बात करते हैं। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर भैया ये किनकी किनकी बात करते हैं और जीतने के बाद आएंगे तो क्या क्या करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। भैया के पास सुनिए, भैया के क्या क्या करेंगे सर, सुनिए भैया। आज जो देश का जो चुनाव हो रहा है अभी लोकसभा का, जो देश का एजेंडा है वो एजेंडा भोजपुर का एजेंडा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, एससी एसटी एक्ट को खत्म करना चाहते हैं, तो देश का जो एजेंडा है वो एजेंडा भोजपुर का एजेंडा है। और भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस देश से मनु स्मृति का राज स्थापित हो, लेकिन यह हिंदुस्तान मनु स्मृति का हिंदुस्तान नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे का हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान शहीद आजम भगत सिंह का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान चलेगा तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदुस्तान चलेगा, यह हिंदुस्तान बनेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश नहीं चलेगी। इस बार का चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव। सर तेजस्वी यादव जिस तरीके से आज संबोधित किए हैं आरा की जनता को, संदेश विधानसभा क्षेत्र में आए हुए थे, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने काफी सारे मुद्दे हैं जो कि वो उठाए हैं। और आपकी आपकी भी बात जब आई तो आपके बारे में उन्होंने कहा है कि ये घर के हैं और ये आपके लिए काम करेंगे, और राजद जैसे अकेले लड़ती थी तो जीतती थी, अभी तो भाकपा माले और राजद एक साथ लड़ रही है, तो क्या फर्क पड़ता है राजद और भाकपा माले जब एक साथ फील्ड में उतरती है तो कितना अंतर पड़ता है, क्या देख रहे हैं, मिजाज कैसा लग रहा है? जब हम लोग एक साथ हो गए हैं तो अब किसी से लड़ाई ही नहीं है। आज आप यहाँ सभा में थे जोगटा में, 50,000 से लोग करीब सभा में थे, चारों बगल मैदान भरा हुआ था, लह लह दोपहरिया में सब लोग यहाँ खड़े थे। तो यह खड़े किस लिए थे? यह खड़े यह जीत के जज्बात को लेकर के यहाँ खड़े थे, और हम लोग यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। एक विपक्ष का सवाल भी है, बीजेपी का हमेशा कह रही है कि आप दो तीन मतलब कुछ जाति को लेकर चल रहे हैं और उनकी वोटों को आप अपना बनाने के कब्जा करने में लगे हुए हैं, आप विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जाति के लोग, जात के राजनीति वो लोग करते हैं, दंगा की राजनीति वो लोग करते हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव मुद्दा पर हो। मोदी जी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे पिछली बार, उस मुद्दा पर लड़े, जीएसटी पर चुनाव लड़े, नोटबंदी पर चुनाव लड़े, क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों नहीं करे? जनता के बीच जाकर रहे हैं कि नोटबंदी बढ़िया था, कहे 15 लाख रुपए क्यों नहीं दिए अभी तक? मुद्दा है, हम तो चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन ये लोग मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी के चेहरा पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह जो सरकार है, यह सरकार अंबानी अंडानी जी की सरकार है। मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों का तो कर्जा माफ हुआ नहीं, इन्होंने कर्जा किसका माफ किया? अंडानी का कर्जा माफ किया, अंबानी का कर्जा इन्होंने माफ किया। रोजगार की बात, कौन कहीं रोजगार मिला नहीं, लेकिन इंडियन एयरलाइंस है जिसमें 25,000 लोग नौकरी करते थे, उनको हटाने का काम किया। आज बीएसएनएल कंपनी बंदी के आधार पर है, तो एक कॉरपोरेटरों की सरकार है, और इस बार अंबानी की सरकार को हटा करके देश से मजदूर किसानों को सरकार बनाना है। अच्छा, क्या कहां कहां कैंपेन किया आपने? कहां कहां कैंपेन कर लिए है आपने और क्या बचा हुआ है अभी लोकसभा क्षेत्र, कहां कहां आपने घूमा? अभी लोकसभा क्षेत्र के तो अब चुनावी कैंपेन क्या, हम तो 5 साल से 10 साल से इसी भोजपुर में रह रहे हैं, हर गांव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, जुले हैं, और कुछ गांव में भी जाना बाकी है, उन लोगों के पास जाएंगे, मिलेंगे। अब थोड़ा कैंडिडेट बनने के बाद लोग ज्यादा बुलाते हैं, इसके पहले भी हर गांव में हम गए हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है भोजपुर का जिस गांव में हम नहीं गए हैं, जिस गांव में लोग हम नहीं जानते, हमेशा हम लोग गाँव में ही रहते हैं, सब लोग के बीच में रहते हैं, उनके तमाम दुख सुख में रहने का काम करते हैं, चाहे जो भी उनके दुख हो सुख हो सबके साथ हम लोग रहते हैं। तो अभी कुछ गाँव है जिस गाँव में हमें जाना है, तुरंत हम उस गांव में जाकर के लोगों से अपील करेंगे, और सब लोग ठीक है, सब महागठबंधन के तमाम साथी हमारे लगे हुए हैं, और बढ़िया है, हम चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद सर, सबने अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पे तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम तो चुनाव जीतने वाले हैं, कोई टक्कर में नहीं है, और जहाँ तक चुनाव यात्रा की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि चुनाव यात्रा हमने किया। तो यहाँ पे इन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया कि क्यों आखिर ये जीतने चाहिए और क्यों इनको जनता चुन कर लाएगी।
अगर इनकी बेबाक राय और ये उम्मीदवार की आपकी राय और इनकी बेबाक होकर तरीके होकर जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने रखा है, अगर इनकी बातें पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, ऑन यूट्यूब आशा एक भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, तभी तो इन लोगों का जैसा रुझान और लिखो जैसा पब्लिक ओपिनियन और इन लोगों का जैसा साझा ओपिनियन पाइएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अब